गाइस देखो यहाँ तक कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक चांद का ही उजाला आ रहा है क्योंकि पूरे शहर की लाइट कट चुकी है। और हम क्या देखो, मैं हाथ ही दिखा सकता हूँ और हम ऐसे ही अंधेरे में घूम रहे हैं। मैं तो हेलो गाइस, मैं हूँ अदनान रहमान और आप जानते हो मुझे बॉय माफिया के नेम से। सो यार अभी जस्ट मेरी सुबह हुई है और सुबह के बज रहे हैं 11:30 और सुबह होते ही मैंने नहाया है क्योंकि फिर उसके बाद टाइम नहीं मिलता और ब्लॉग भी शूट करना तो कितनी देर बाद शूट करते। और जैसा कि आप लोग जानते हो मैं सुबह उठते ही ब्लॉग को जैसे उठता हूँ वो शूट करना स्टार्ट कर देता हूँ। मतलब सुबह होते ही मेरा ब्लॉग स्टार्ट हो जाता है जब मेरी आँख खुल जाए, चाहे वो सुबह के 4 बजे हों या फिर 8, 12 जो भी। तो आज ब्लॉग में गाइस देखो क्या क्या होने वाला है, ये तो किसी को आगे नहीं पता होता कि क्या क्या होगा दिन भर में, तो जो भी होगा इस ब्लॉग में आप लोग को दिखेगा। और वैसे अभी मैंने ब्रेकफास्ट नहीं किया तो मैं जा रहा हूँ ब्रेकफास्ट करूँगा और आप लोग को भी दिखाऊंगा और आप लोग से भी बातें करेंगे, तो बने रहना ब्लॉग पे। मुझको ब्रेकफास्ट में पकौड़े मिले हैं क्योंकि मतलब मुझे यही खाने का मन था और वैसे थोड़ा लेट भी हो गया और मैं हैवी ब्रेकफास्ट कर लेता तो फिर खाना नहीं खा पाता क्योंकि भूख ही नहीं लगती इतनी जल्दी। तो मैंने मम्मा से बोला कि यही बना दो, तो आलू प्याज के बन चुके हैं और अभी हम खाएंगे। देख सकते हो इन लोग का ना डेली का टास्क होता है नमाज़ पढ़ना और इनमें से कोई नहीं पढ़ता है, बस मस्जिद में जाके सब इन लोग से झूठ बोल देते हैं कि हम लोगों ने पढ़ा है। सबका देख लो, ये सब जाती हैं मस्जिद में पढ़ने के लिए, उन सबकी शक्ल देखो ये सारी। और यहाँ पे आईपैड में पता नहीं कौन सी मूवी देखी जा रही है और जो भी है ये सब देखो सिर्फ झूठ बोलती हैं कि हमने नमाज पढ़ाई। डेली का टास्क होता है इनका लेकिन सब झूठ बोल रहे गाइस। इन लोग की बातों पे मत ज़्यादा क्योंकि गाइस पता है मतलब इन लोग की बातों पे मत ज़्यादा क्यों, क्योंकि नमाज का टाइम अभी हुआ, मतलब मैं अभी जस्ट पढ़ के आया और ये लोग मेरे से पहले से मूवी देख रहे हैं। बताओ मतलब कहाँ से पढ़ लिया, नमाज का टाइम तो एक होता है तो फिर ये लोग कहाँ पढ़ लिए, ये सारे झूठ बोल रहे गाइस। अगर जो भी इनके मर्जी से भी अगर मेरा व्लॉग देख रहा है तो बताना ज़रूर जाके, सब सारे कोई नहीं पढ़ता है बस झूठ बोल रहे हैं। और मैं जस्ट अभी गाइस नमाज पढ़ के आया हूँ और आप लोगों से बातें करने शुरू किया है। वैसे आज के दिन में तो अभी बहुत टाइम क्योंकि जस्ट अभी सिर्फ 1 बजे हैं और अभी इतना टाइम है तो पता नहीं क्या से क्या होगा, क्या क्या करेंगे हम और देखते हैं अभी। तो व्लॉग में भी दिखाते हैं गाइस आप लोगों को। ये देखो सीरियल देख रहे हैं, मतलब नमाज नहीं पढ़ना है इसको गाइस। देखो सब मस्जिद में जाके बोलना ऐसे ही रहती है, दिन भर खाती है, घूमती है, सीरियल देखती है, आईपैड यूज करती है और मेरा फोन यूज करेगी अपना, इस चक्कर में रहेगी कि इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर ले, मतलब अपनी आईडी को फॉलो कर ले मेरी आईडी जो कि मैंने नहीं की है, और ये फोन मतलब छुप के ही लेती है मेरा। तो गाइस देख सकते हैं ये फिर सोने जा रहा है कि उसको ट्यूशन ना जाना पड़े। वैसे कल ये सच में सो गया था टाइम पे और नहीं गया, आज भी वही ट्राई कर रहा है कि सो जाए जल्दी से और आज भी मैं जाना पड़े, लेकिन मैं भी पूरा ट्राई कर रहा हूँ कि सो नहीं ना दूँ मैं। तो इसकी स्माइल देखो। तो गाइस एक चीज़ आप लोगों ने नोटिस किया कि नहीं, ये मेरे कपड़े बार बार चेंज हुए हैं, मतलब पहले नहा के आया तो यही पहना था, फिर बीच में दूसरा, फिर अभी ये, क्यों ये रीज़न मैं बताऊँगा थोड़ा सा अभी 2 मिनट के बाद। लेकिन उससे पहले यार मैं बता दे दो, दिन के बज रहे हैं 3 और मैंने खाना वगैरह खा लिया है, सब कुछ कर लिया है। सो हो सकता है अभी मुझे थोड़ा बाहर भी जाना पड़े, कुछ काम है, हो सके तो काम का ज़रूर दिखा दूंगा। और बाकी जो रीज़न है मैं बता देता हूँ गाइस, पता है जो छोटे बच्चे होते हैं जो मस्जिद में जाते हैं वो कुछ भी पहन के चले जाएँ चलता है, लेकिन हम बड़े कुछ भी पहन के नहीं जा सकते क्योंकि वो नमाज नहीं होगी गाइस। अगर किसी कपड़े पर आपके कैरेक्टर है कुछ कुछ भी बना है तो वो आप पहन के नहीं जा सकते, कपड़े नॉर्मल होने चाहिए नमाज के लिए, हाँ वो सब पहन के मस्जिद में नहीं जा सकते। तो वही रीज़न मेरा भी है गाइस, तो मुझे नमाज़ पढ़ने जाना था तो मैंने कपड़े बदले थे, वो जो टी शर्ट मैंने पहनी थी वो बिल्कुल नॉर्मल है मेरी, कोई कैरेक्टर वगैरह नहीं बना है, तो वो मैं पहन के गया। और अगर मैं ये पहन के जाता तो मेरी नमाज ही नहीं होती गाइस, तो यही रीज़न होता है। सो जिसने नोटिस किया था वो कमेंट में करके बताएगा और जिसने ये बात नोटिस नहीं की थी वो भी बताएगा, कोई झूठ नहीं बोलेगा गाइस कि किसने नोटिस किया किसने नहीं किया। तो ये था रीज़न गाइस मेरे बार बार कपड़े बदलने का। देख सकते हो इसका हुलिया चेंज हो चुका है, ये टकला हो गया है गाइस, कितना गंदा यार, रो रहा था क्या, कहाँ से गिर गया था। वैसे गाइस मैं इसके पहले की भी वीडियो दिखा दूंगा, ऐसे ही शूट की थी मैंने, कोई ब्लॉग के लिए शूट नहीं किया था, तो वो पोर्ट्रेट मोड पे होगी, सो उसको मैं दिखा दूंगा। और अभी ये देखो कैसा लग रहा है, और पहले की वीडियो आप लोग बताना अभी क्यूट लग रहा है या फिर पहले जो वीडियो आई थी वो क्यूट लग रही है यार। वैसे मुझे तो बहुत ज़्यादा अजीब लग रहा है, देखो ऐसे ही बोलते हैं
जा रहे हो ए, जा रहे हो गिरा। यहाँ पे लिटिल माफिया भी आ चुका है, ऐसे ही बोलता रहता है बस ये। लेकिन ऐसा नहीं है कि कुछ बात समझ नहीं आती। देखो मैं अभी बोल के दिखाता हूँ। बाय कर दो। देखो बाय कर रहा है। फ्लाइंग किस कर दो। के ऊपर होता है ये, जो इसका मूड करेगा वही करता है। किसी की बात सुनते नहीं। वैसे रुको, अभी डांस करने बोलता हूँ। डांस करके दिखा दो। ये देखो इसका गाइस यही डांस है। ये देखो तो भाई जो मुझे काम था मैंने बताया, आप काम किया है। दिखा तो नहीं पाया था वैसे, चलो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अभी मैं फ़िलहाल अपनी गली में आया हूँ। आगे क्या क्या होगा वो तो आपको व्लॉग पे ही पता लगेगा। तो जो भी होगा व्लॉग पे बने रहना, साथ में दिखा दूंगा जो भी होगा। और अभी मैं घर पे आया हूँ, ये रहा पीछे घर, देख सकते हो। तो भाई जैसा कि देख सकते हो मैं अब घर जा रहा हूँ, क्योंकि शॉप बंद करवा दी थी मैंने आप लोगों को, जैसा कि दिखाया। अब मैं रास्ते में हूँ और घर जा रहा हूँ। भाई देखो कितने बज रहे हैं, रात के बजने वाले हैं 10। और जैसा कि मैंने आपको दिन में दिखाया था तो टीवी देख रही थी, और रात के 10 बजे भी अभी टीवी देख रही है। मतलब इसके कोई काम धंधा है ही नहीं। और मेरा एयरपॉड प्रो क्यों लियो बताओ, कोई काम धंधा नहीं है गाइस। देखो इसको मतलब गाइस लिख देना काम चोर कमेंट में जितना हो सके। मतलब टीवी बस देखती रहती है, फोन यूज करेगी, मेरा आईफोन यूज करेगी, आईपैड यूज करेगी। अभी देखो एयरपॉड प्रो लिए मेरा हाथ में, झूठ बोल लिए गाइस। कुछ नहीं, कहीं नहीं गई थी, अभी भी बैठी है जहाँ पे थी वैसे ही। क्या लेके आए हो तुम लोग, इतना शोर मचा रहे थे। दिखाओ, चलो दिखाओ कहाँ पे। तो गाइस इसका देख लेते ये लोग क्या लेके, अपने क्या लेके चले। अरे यार ये देखो वैसे क्यूट है, थोड़ा अंधेरा आ रहा है यार, हटो तो उधर से, लाइट भी कट गई। चलो यहाँ रखो, निकालो देखा जाए। वैसे इतने ही बड़े जो होते हैं वो क्यूट लगते हैं गाइस, और बाकी तो बड़े गंदे लगते हैं। उसने भी रखना है, वो उसका घर बनाना है। तो उसको कैसे घर बनेगा है? निकालो उसको बाहर, भागने लगे। रखो यहाँ पे, रे फ्रेंड तुम मत निकालो, जब भागने की। कब लेके आए हो? आज ही शाम में, दोपहर में लेकर आए हैं। गाइस बस इतने ही बड़े क्यूट लगते हैं, और इससे बड़े हो जाते हैं बड़े गंदे लगते हैं। इसके बाद खोल दो, उसको खोल दो, इतने बड़े तक ही ठीक हो जाएंगे। रख दे, बस यही लेके आए थे तुम लोग। तो घास के लोग की हरकतें बस ऐसे ही होती हैं, यही सारी चीज़ें इनके दिन भर चलती रहती है। बस कुछ ना कुछ करा लो इनसे, कोई दिक्कत मतलब क्या, कोई दिक्कत की बात क्या है, इनसे कोई भी हरकतें कुछ भी करा लो कभी भी, ये यही सब पूरे दिन करते रहते हैं। यार सोच सकते हो हम लोग कैसे रहते हैं, हमारे घर के ये लड़के क्या क्या करते होंगे। मतलब इनका मन करता है कुछ भी उठा ले के आते, मतलब कुछ भी करते हैं यार ये सब। गाइस देखो यहाँ पे कुछ भी नहीं दिख रहा है, कुछ भी नहीं, सिर्फ एक चांद का ही उजाला आ रहा है, क्योंकि पूरे शहर की लाइट कट चुकी है। और हम क्या देखो, मैं हाथ ही दिखा सकता हूँ, और हम ऐसे ही अंधेरे में घूम रहे हैं, मैं और हमारे एक फ्रेंड। यार चलो आगे भी दिखाते हैं आप लोगों को। हमारे तरफ पूरी शहर की लाइट कटी है, और इधर देखो हर तरफ लाइट है। ये क्या हो रहा है मुझे नहीं पता। वैसे चलो जो भी है, लाइट तो मिली हमें, मतलब थोड़ा अच्छा भी लग रहा है। वैसे अंधेरे का भी अलग मज़ा है, और इधर लाइट का भी अलग मज़ा है। तो मतलब उधर थोड़ा सा डल टाइप पे है, तो अंदर से अलग मज़ा आता है, और जो लाइट में है वो बिंदास घूम सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम दोनों तरफ से इंजॉय कर रहे हैं, आप लोग भी इंजॉय करो, ब्लॉग पे बने रहो। आगे क्या होता है मैं ज़रूर दिखाऊंगा आप लोगों को। तो गाइस मैं घर आ चुका हूँ घूम फिर के, और हमारे भी एरिया की लाइट आ चुकी है। तो ये काफ़ी बढ़िया बात है कि हमारे भी एरिया की लाइट है,
और मैं अभी घूम के बाहर आया हूँ, तो देखते हैं ये सब क्या कर रही है। ये बनियान पहन के ऐसे हो और वैसे कमरे में कौन अभी भी टीवी देख रही है। देखो टाइम कितना हो रहा है, 11, और अभी भी टीवी देख लो, यही हाल है इनका। देखो यही सब है, और एक आईपैड अंदर चल रहा है, एक आईपैड अभी चार्ज में लगा है, यही सारी हरकतें करती हैं सब। तो गाइस यार रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, देखो सारे चीज़ कुछ नहीं अब दिखेगा बाहर, जैसे एकदम सन्नाटा हो जाता है, वही हाल जैसे कि 4 बजे व्लॉग मैंने किया था और दिखाया, तो वैसे ही सन्नाटा हो चुकी है क्योंकि ज़्यादा रात हो चुकी है और मेरे पास भी अब वैसे दिखाने के लिए कुछ है नहीं। तो जो भी था आप लोगों को मैंने ब्लॉग में दिखा दिया है। तो अगर ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करना, शेयर करना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं अभी नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए चलते हैं, बाय, थैंक यू।